दोस्तों, भारत और हांगकांग के मुकाबले में दिखाई सूर्य कुमार यादव ने एबी डिविलियर्स की झलक। सूर्य कुमार यादव को इंडिया का मिस्टर 360 कहा जाता है और एक बार फिर से उन्होंने इस बात का प्रमाण भारत और हांगकांग के मुकाबले में दे दिया। सूर्य कुमार यादव के तूफानी छक्कों को देख हांगकांग की टीम के पसीने छूट गए और उनके छक्कों पर मैदान में मौजूद फैंस के साथ साथ भारतीय टीम, यहां तक कि कप्तान रोहित शर्मा भी हैरान नजर आए और उनके एबी डिविलियर्स के अंदाज में लगाए गए छक्के पर पूरी भारतीय टीम का रिएक्शन देखने लायक था। उन्हें अपनी आंखों पर बिल्कुल भी यकीन नहीं हो रहा था कि आखिर कोई बल्लेबाज ऐसे भी छक्का लगा सकता है। तो आखिर कैसे सूर्य कुमार यादव मैदान में छक्कों की बारिश कर रहे थे, जिसे देख सभी हैरान हो गए। और कैसी रही सूर्य कुमार यादव की पारी, जानने के लिए वीडियो को पूरा एंड तक जरूर देखिएगा। लेकिन उससे पहले आप सभी को क्या लगता है कि सूर्य कुमार यादव और केएल राहुल में कौन है बेहतर बल्लेबाज, इस बात का जवाब हमें नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। दोस्तों, भारतीय टीम एशिया कप में अपना दूसरा मुकाबला हांगकांग से खेल रही है और जिसमें भारतीय बल्लेबाजों ने अपनी तूफानी बल्लेबाजी से हांगकांग की गेंदबाजों की कमर तोड़ दी। भारतीय ओपनर्स ने भारतीय टीम को एक खतरनाक शुरुआत दिलाई, लेकिन कप्तान रोहित शर्मा एक अच्छी शुरुआत मिलने के बाद अपना विकेट गंवा बैठे। तो वहीं रोहित के जाने के कुछ ही समय बाद केएल राहुल भी मैदान में सेट होकर हांगकांग के युवा स्पिनर को अपना विकेट दे बैठे। राहुल के आउट हो जाने के बाद सूर्य कुमार यादव मैदान पर आते हैं और आते ही मैदान के चारों तरफ अपने 360 अंदाज में बाउंड्रीज लगाना शुरू कर देते हैं। पारी के 16वें ओवर में तेज गेंदबाज एजाज खान की गेंद पर सूर्य कुमार यादव अपने घुटने में बैठकर विकेट के पीछे एबी डिविलियर्स के अंदाज में छक्का जड़कर सभी को हैरान कर देते हैं। उनके इस छक्के पर दूसरे छोर पर खड़े विराट कोहली भी हैरान थे। उन्हें सूर्य कुमार यादव के इस शॉट पर भरोसा नहीं हो रहा था। इसके बाद उन्होंने सूर्य कुमार यादव के लिए तालियां बजाई और उन्हें थम्स अप दिखाकर आगे भी इसी अंदाज में बल्लेबाजी करने के लिए प्रोत्साहित किया। तो मैदान के बाहर मौजूद भारतीय टीम और रोहित शर्मा की तो आंखें होली की होली रह गईं। भारतीय टीम का हर एक सदस्य उनके इस शॉट से बेहद हैरान और खुश नजर आया। रोहित शर्मा उनके शॉट को देखकर अपनी जगह पर खड़े हो जाते हैं और उनके लिए तालियां बजाने को मजबूर हो जाते हैं और उनके साथ ही बाकी खिलाड़ियों ने भी सूर्य कुमार यादव के छक्के पर तालियां बजाई। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है कि विराट कोहली और सूर्य कुमार यादव में कौन एशिया कप में अधिक रन बनाएगा, इस बात का जवाब हमें नीचे कॉमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। और ऐसी ही खबरों के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारे यूट्यूब चैनल को। धन्यवाद।